हेलो एवरीवन। सो मैं हूँ आज सेल्फ लव सीरीज के डे टू के साथ, और आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त, बहुत अमेजिंग टास्क लेकर आई हूँ। कल का टास्क किन किन लोगों ने कंप्लीट किया था और कंप्लीट करने के बाद आपने कैसा फील किया मुझे कमेंट में आप सब बताओगे एज अ अपडेट। ओके, आज का टास्क अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये सीरीज सच में बहुत मैजिकल है। आप वीडियो को पूरा ध्यान से समझा करो तभी आपको टास्क समझ में आएगा। देखो, हम ना लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो अच्छा है या बुरा है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। हम सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, हम सारी सोसाइटी के बारे में जानते हैं, अपनी फैमिली के बारे में जानते हैं, रिलेटिव्स के बारे में जानते हैं। अगर हम कुछ नहीं जानते तो अच्छे से हम खुद के बारे में नहीं जानते। तो आज ना आपको अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना है, आराम से बैठना है, कॉपी पेन लेकर जब भी टाइम मिले, और अपने बारे में लिखना है जितनी भी चीजें अच्छी हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ हैं वो भी, जो आपकी वीकनेसेस हैं वो भी। ऑनेस्ट रिव्यू करना कहते हैं ना जिसको, एक ऑनेस्ट रिव्यू अगर आपसे आपका मांगा जाए तो वो क्या होगा फिर जो है, इससे क्या होगा मैं बताती हूँ। दूसरों को जज करने की आदत चली जाएगी, मतलब जैसे हम दूसरों को हमेशा जज करते रहते हैं, उसके अंदर ये कमी है वो कमी है, लोगों को समझना सीख जाएंगे। एक बात समझ में आएगी कि हर किसी के अंदर कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। अब जो पॉइंट्स आपके वीकनेसेस वाले आपको मिलेंगे या आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें आपको मिलेंगी, क्या करना है, आपने जो स्ट्रेंथ अपनी लिखी है उनको लेकर बहुत हैप्पी फील करना है, प्राउड फील करना है। एंड जो वीकनेसेस आपको अपने अंदर मिले या नेगेटिव पॉइंट्स आपको मिले, उनको क्रॉस करके उन्हीं का अपोजिट लिख देना है। यानी कि फिर से समझाती हूँ, एक पेज पे आपने दो तीन पेज आपकी जो पर्सनालिटी आपने उसको डिस्क्राइब किया, उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें थी, कुछ नेगेटिव चीजें थी, लेकिन उसके बाद आप जो है ना उसको फाड़ के और फेंक देना। फिर आप अपनी ड्रीम पर्सनालिटी को अपनी डायरी में लिख कर रख देना, जैसी पर्सनालिटी आप चाहते हो, जैसा स्टेटस, जैसा कैरेक्टर, जैसी क्वालिटीज, जैसे कि आप हमेशा पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हो, तो यू कैन राइट, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, हर इंसान मुझे देखकर लाइक अट्रैक्ट होने लगता है, एंड मेरा ऑरा बहुत पावरफुल है, मेरा ऑरा बहुत मैग्नेटिक है, एक तरह से कहें तो सेल्फ लव लेटर। ये खुद को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने क्यों बोला, जो आपकी वीकनेसेस है ना वो आपको समझ आनी चाहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी समझ आनी चाहिए। इससे एक जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी आपकी एक दूसरे के लिए वो, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि हम लोगों को जज करना जज करना छोड़ देंगे, सीख नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे। इसके अलावा हमेशा रिमाइंड कराती रहूंगी, नो बैक बिचिंग, नो कंप्लेन, नो कॉम्पिटिशन और नो क्रिटिसाइज, यू नो, इस तरह की कोई भी चीज जितना ज्यादा हो सके बचो गॉसिप से, बैक बिचिंग से, कंपैरिजन से, कंप्लेन से, कंपटीशन से। यू नो एवरी वन हैव, यू नो, एक डिफरेंट ऑरा है, सबके पास डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट संस्कार हैं, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे तो रोज अच्छे ही नहीं लगते, पता नहीं लोग रोज को देखकर इतना खुश क्यों हो जाते हैं, अब आप मुझे आके गालियां सुनाओगे क्या? एवरी वन, यू नो, हर कोई अलग है, गलत नहीं है। तो इससे ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, जब आप भी देखोगे कि आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले लोगों में नजर आती है। अब इसको रखना नहीं है, इसको फाड़ के फेंक देना है। यानी कि एक तरह से बताऊं, आपने अपने करंट के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो आप लिखोगे वो आपकी एक न्यू पर्सनैलिटी होगी। यानी कि हमने जो ओल्ड पर्सनालिटी है उसको खत्म करके एक न्यू पर्सनालिटी को क्रिएट किया है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, अगर आप इसी तरह से चलते रहे अपनी जर्नी में तो एक दिन आएगा कि आपकी लिखी हुई हर लाइन आप पढ़ोगे तो आपको प्राउड फील होगा कि ये सब कुछ हो चुका है। क्योंकि जब मैंने एक साल बाद अपना सेल्फ लव लेटर रीड किया, मेरी वीडियो भी है कि मेरा लिखा हुआ हर एक वर्ड यू नो मैनिफेस्ट हो गया, मैं उसको पढ़ते टाइम जितना प्राउड फील कर रही थी मैंने कभी नहीं किया, कि मैंने लिखा था और कैसी सिचुएशंस में लिखा था जब कुछ भी इससे मैच नहीं करता था। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने वो लिखा कब,
ना तो कोई फ्रेंड सर्कल, ना ही कोई यूट्यूब चैनल, ना ही कोई ऑडियंस, कुछ नहीं था मेरे पास। और मैंने वहां पे क्या लिखा था, मुझे सब सुनना चाहते हैं, मुझे सब देखना चाहते हैं, मुझसे सब बात करना चाहते हैं। और इसके पीछे की इंटेंशन थी कि मेरा कोई बहुत बड़ा सा अच्छा सा फ्रेंड सर्कल हो जाए जो मेरी नीड खत्म हो जाए। और उसको उसको जो उस सुप्रीम पावर ने उसको इस लेवल से मैनिफेस्ट किया है कि आज ये चीज सच में मैनिफेस्ट भी इस लेवल से जाके हुई है कि अगर मैं 2 दिन वीडियो ना डालूं तो मैसेजेस आ जाते हैं कि व्हाट हैपेंड, वीडियो क्यों नहीं आया। सो आपको आई होप टास्क समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हल्का सा वेदर की वजह से हल्का सा इचिंग है, इसलिए बार बार नोज पे हाथ जा रहा है, कोई बात नहीं। आपको ये टास्क करना है और इसकी अपडेट मुझे कल पार्ट 3 में देनी है। और एवरी डे एंजल की जो गाइडेंस आ रही है उसको क्लेम करना है, क्योंकि वो एनर्जी जो है ना आपकी, उनसे जब कनेक्ट होगी तो आपको हर एक मोमेंट पे वो गाइड करेंगे। क्योंकि पहले मुझे इंट्यूशंस आती थी, मैं गाइड करती थी, अब ये कार्ड्स आपको गाइड करते हैं। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि माही दी, आप तो बोल रहे थे कि आप जो है मैनिफेस्टेशन बैच लेके आओगे, आपने कहा था कि जब सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। आप लोग पहले अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो, अच्छे से करो, पूरी जान डाल दो इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।